एक अंधेरी और तूफानी रात, तीन दोस्त मैगी, सैम और लियो ने मैगी के घर पर एक स्लीपओवर करने का फैसला किया। ये कहानियों, तकिए की लड़ाई और ढेर सारे स्नैक्स के लिए एकदम सही रात थी। जब वे पॉपकॉर्न और कंबल के साथ बैठ गए तो मैगी का छोटा भाई मैक्स अंदर आया। क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? उसकी आंखें चमक रही थीं। बिल्कुल, लेकिन ये वादा करो कि तुम डरोगे नहीं, सैम ने हंसते हुए कहा। मैं नहीं डरता, मैक्स ने कहा अपना सीना चौड़ा करके। कुछ डरावनी कहानियां सुनाने के बाद मैगी की माँ ने रसोई से आवाज दी, बेटा सोने से पहले लिविंग रूम की लाइट बंद करना मत भूलना। ठीक है माँ, मैगी ने जवाब दिया। जब दोस्त अंधेरे लिविंग रूम की ओर बढ़े, बाहर तेज हवा चल रही थी जिससे खिड़कियां खड़क रही थीं। उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। अचानक उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, क्लम्प क्लम्प क्लम्प। ये क्या है? लियो ने फुसफुसाया। शायद ये हवा है, मैगी ने कहा, लेकिन उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। वे धीरे धीरे लिविंग रूम में गए और लाइट बंद कर दी। अचानक कमरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया। बस एक ही आवाज थी, क्लम्प क्लम्प, जो अब बहुत करीब थी। शायद ये कोई भूत है, सैम ने मजाक किया, या शायद ये कोई राक्षस है जो स्नैक्स ढूंढ रहा है। जैसे ही वे हंस रहे थे, दीवार पर एक छाया दिखाई दी। दोस्तों ने चिल्लाते हुए पीछे हट गए। ये क्या है? मैक्स ने मैगी की टांग पकड़ डीडीएच ली। फिर एक थड़हट के साथ एक बड़ा सा सामान शेल्फ से गिरा और वह था एक बड़ा नरम टेडी बियर। मैंने मिस्टर कडल्स के बारे में भूल गया, मैगी ने कहा उसे उठाते हुए। वह तो बस गले लगाने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन तभी लाइट फिर से चमकी और वहां मिस्टर कडल्स खड़ा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह खेल रही हों। ये थोड़ा डरावना है, सैम ने कहा डरते हुए। क्या अगर वह जिंदा हो जाए और डांस करने लगे? जैसे ही उन्होंने यह सोचा, मिस्टर कडल्स ने दाएं और बाएं झूमना शुरू कर दिया। दोस्तों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरे वह जिंदा है, उन्होंने चिल्लाया, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि यह तो खिड़की से आ रही हवा थी जो पर्दों को हिला रही थी। मैक्स हंसते हुए बोला, आप लोग कितने अजीब हैं, मिस्टर कडल्स तो मच्छर भी नहीं मारेंगे। उन्होंने मिस्टर कडल्स को सोफे पर बिठाया, एक तकिया दिया और उसे अपनी नाश्ते की पार्टी में बुलाया। जब वे पॉपकॉर्न खा रहे थे तो रात के अंत में वे सब हंसते हंसते सो गए और उन्हें पता था कि वे कभी नहीं भूलेंगे वह रात जब एक भूतिया टेडी बियर उनका खास मेहमान बना। इस तरह हंसी के साथ यह डरावना स्लीपओवर सबसे मजेदार रात में बदल गया।